टाउन हॉल मैदान में बनारस शिल्प मेले का आयोजन किया गया। टाउन हॉल के मैदान में बनारस शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। ये मेला 8 जून से लगा है जो कि 23 जून तक संचालित होगा। यहां अनेकों प्रकार के बच्चों के लिए मनमोहक झूले, खाने पीने के स्टॉल के साथ साथ ज्वेलरी सहित घरेलू सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं जो इस समय आकर्षण के केंद्र हैं। मेले में भीड़ को देखते हुए सीसीटीवी सहित फायर से संबंधित यंत्र और पुलिस प्रशासन की विशेष व्यवस्था के साथ मेला चल रहा है। इस मेले में कमान संभालने वालों में शिबू बनारसी, निखिल तिवारी, महमूद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मेला खास विद्युत झालरों व बिजली की चमक से काफी गुलजार रहा। किस तरह का या किस नाम से मेला लगा है, किसके द्वारा ये लगाया गया? ये बनारस शिल्प महोत्सव के नाम से रखा गया है। एक्चुअली हमारा उद्देश्य है कि जो बनारस के जो बुनकर हैं और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की दुकानें जो है इनको बढ़ावा दिया जाता है कि एक जगह लाएं, एक जगह बेचें और कस्टमरों से सस्ते रेट पर माल बेचें। क्या क्या है इस मेले में, कितने स्टॉल लगे हैं? इसमें लगभग 50 स्टॉल लगी है और पब्लिक आ रही, अच्छी आ रही है। और इसमें 8-10 झूले लगे हुए हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए लगे हुए हैं। इसमें हमारी स्टॉल जो लगी हुई है, एक तो लखनऊ की चिकन लगी है, जयपुर की कुर्ती लगी है, गुजरात की कुर्तियाँ लगी है, अच्छी दुकान। और एक हमारी उषा है और लाद की दुकान है, 10 की 20 की बच्चों के लिए आइटम है, खिलौने हैं बच्चों के, और भी तरह तरह की साड़ियाँ हैं, बनारसी खाने पीने की भेलपूड़ी है, और भी 2-4 स्टॉल है खाने पीने की। जी, आइसक्रीम है। बच्चों के लिए क्या खास है? बच्चों के लिए खास नाव है, बच्चों के लिए वाटर पार्क बनाया गया छोटा सा बच्चों के लिए, और भी झूले हैं। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता तो ऐसे भी घूमने वाली है, जाती है और सपोर्ट करती है। पूरी इंडिया में काशी की जनता सपोर्ट करती है और महादेव की नगरी है, हमेशा सबका सपोर्ट करती है। काशी की जनता को हमारा धन्यवाद है, पब्लिक आ भी रही है और काशी की जनता हमारा बहुत भरपूर सपोर्ट करती है।